गहलोत सरकार पर मंडरा रहा सियासी संकट अब तक टला नहीं है। कांग्रेस ने मामले को सुलझाने के लिए चार बड़े वकीलों को काम पर लगा दिया है। इनमें तो दो पूर्व कानून मंत्री ही हैं, कपिल सिब्बल, अश्विनी कुमार, सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल। ये चारों मिलकर गहलोत की मुश्किलों को आसान बनाएंगे, लेकिन ये सब कुछ कर पाते उससे पहले सचिन पायलट गुट ने गहलोत खेमे में खलबली मचा दी। सचिन पायलट गुट की ओर से जारी एक वीडियो में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक हेमा राम चौधरी ने दावा किया है कि गहलोत गुट की बाड़ाबंदी में 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो होटल से निकलते ही उनके साथ आ जाएंगे। हेमा राम चौधरी के इस दावे के बाद सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत का दावा करने वाले अशोक गहलोत खेमे में हलचल पैदा हो गई है। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा था कि बागी विधायकों में से 3 विधायकों के वापस पार्टी के साथ लौटने की खबर है। सुरजेवाला के बयान के बाद पायलट की तरफ से पलटवार किया गया। सचिन पायलट खेमे में शामिल वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी ने कहा कि अशोक गहलोत खेमे के 10 से 15 विधायक हमारे संपर्क में हैं। वे कह रहे हैं कि आजाद होते ही हमारी तरफ आ जाएंगे। चौधरी ने कहा कि अगर गहलोत प्रतिबंध हटाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने विधायक उनके पक्ष में हैं। उधर राजस्थान सरकार पर मंडरा रहा सियासी संकट सोमवार को भी नहीं टला। शनिवार रात को राजभवन के सवालों के जवाब के रूप में गहलोत सरकार की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने के लिए भेजे गए संशोधित प्रस्ताव पर कोई राज्यपाल ने हामी नहीं भरी। राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से एक और पत्र सरकार के नाम भेजा गया। इस पत्र में सरकार से राज्यपाल ने विधिक राय के बाद 3 बिंदुओं पर सहमति के बाद ही सत्र आहूत करने की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।